जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं गोलोक खंड के 20वें अध्याय का। गोलोक खंड के 20वें अध्याय में है दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंद्री के निकट पवित्र वालुका में पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्लयुद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएँ करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से दूषित थे, मस्तक पर काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्रीहरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही षटविद ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मुंह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुँह से में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जल प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों में भ्रमण करते हुए मुनि बोले उठे, मैं कहां से यहां आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोकों और पतालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके दीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर सब कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में एक सहस्त्र युग व्यतीत हो गया। तदंतर मुनि एक कारण नव के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के चित्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्वान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखाई दी। उस जलराशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुए। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन तथा सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे, तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिमंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधावल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्रीहरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वाप से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालुका में रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्मा हैं। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित सतदल कमल के समान विशाल है, उधर अधर बिंबा फल की
अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्री अंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनुज्ञ श्री नंदनंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिनके उच्चरणों में मंजीर और नुपुर झंकृत हो रहे हैं और कोटि में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची शोभा दे रही है, जो बंधन खासे युक्त यत्न समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित हैं, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीरा हर लेने वाली कंजल की बेदी शोभा दे रही है तथा जो कालिंद नंदिनी के तट पर बालोचित कीरा में संलग्न है, उन श्रीहरि की मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नीलधन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुंद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का श्रेयस कलि कलुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सौनक बोले, तपोधन, इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, सौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मनदाता मैथिल नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में, जो मंगलकाय धाम है, प्रश्न किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं, इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा उसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्रीहरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएँ हुई हैं, उनका मैं वर्णन करूँगा। वह गोलोकखंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे उसका ज्ञान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको यह सब सुना दिया। यह गोलोकखंड का वृतांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में, जो प्रकृति से परे है, पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंद स्तोत्र का वर्णन नामक विश्वा अध्याय पूरा हुआ और इसके साथ ही गोलोकखंड भी संपूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे।